हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ राजस्थानी कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं कचौरी। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट में सबसे पहले मैंने लिया है आलू भुजिया, एंड आलू को मैंने ग्रेट कर ली है, ये देखिए। एंड खड़ी धनिया भी ली हुई है मैंने, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई है। एंड ये मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। एंड ये काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, सौंफ, और ये चाट मसाला, एंड ये खटाई मसाला, एंड ये हींग। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जार में डाल रही हूँ धनिया, एंड ये सौंफ 3 से 4 छोटे चम्मच मैं इसमें डाल दे रही हूँ। एंड ये मैं इसमें डाल रही हूँ पेपर कॉर्न, यानी कि काली मिर्च। एंड अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ जीरा, ये मसाला अपनी कचौड़ी के लिए बना रहे हैं। एंड अब इसमें डाल दूँगी हल्दी, एंड ये जो आलू भुजिया मैंने मंगा के रखी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए मसाला बन के हमारा रेडी है। तो चलिए बनाते हैं अपनी स्टफिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल ले रही हूँ, एंड ऑयल को हम थोड़ा हीट होने देंगे। तो तेल हमारा हो गया था गर्म, तो मैंने इसमें डाल दिया हींग। एंड अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज को आपको डाल लेना है, एंड इसे अच्छे से ऑयल में मिक्स करके इसे कुक कर लेना है। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट मैंने प्याज को अच्छे से कुक कर लिया है। एंड अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, ताकि प्याज हमारी जल्दी कुक हो जाए। तो नमक डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये देखिए प्याज हमारी हो गई है कुक। एंड अब मैं इसमें डालूँगी आलू, जो कि मैंने उबाल कर ग्रेट करके रखे हुए हैं। एंड ये जो मसाला मैंने बनाया हुआ था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए सारे मसाले जो कि मैंने पीस के रखे हुए थे डाल दूँगी। आप इस तरीके से कचौरी को ज़रूर बना के तैयार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी कचौरी बन के रेडी हुई थी। एंड ये देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ सॉल्ट। तो मैंने सॉल्ट को थोड़ा ही डाला, क्योंकि मैं पहले भी सॉल्ट को डाल चुकी हूँ। एंड अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, एंड ये थोड़ा सा आमचूर और चाट मसाला पाउडर। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला पाउडर और डाल दिया है इसमें। एंड अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे से, ताकि मसाले और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। एंड बहुत ही अच्छी स्टफिंग बन के हमारी रेडी हुई है। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी बन के रेडी है। एंड चलिए हम बना लेते हैं डो। तो डो के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। एंड अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ चीनी, एंड थोड़ा सा मैंने इसमें आटा भी मिलाया हुआ है, ताकि ये थोड़ी सी हेल्दी बन जाए। एंड ये नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। एंड अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, जिसे मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है। एंड अब मोहन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ घी, क्योंकि घी का मोहन बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए आप घी का यूज़ करें, नहीं तो आप कोई भी सी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको मोहन करना है, ताकि कचौड़ी हमारी अच्छे से बने। तो ये देखिए अब कुछ इस तरीके से डो मैं बना ले रही हूँ। तो ये देखिए डो हमारा नीड होना शुरू हो गया, डो बन के रेडी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए कढ़ाई हो रही है गर्म हमारी। तो अब चलिए कचौड़ी को हम अच्छे से भर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया हुआ है पेड़े, तो जिससे मैंने थोड़ा सा स्पेस करके मैंने इसमें फिलिंग को स्टफ कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको हाथों से प्रेस करना है। एंड इसे आपको बेलन से आप चाहें तो प्रेस करें, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको भरना है, इसे हाथों में लेना है, एंड कुछ हाथों से इस तरीके से स्पेस करनी है, एंड स्टफिंग को रखना है। एंड देन आपको ऐसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके से प्रेस कर देना है। इन हाथों की हेल्प से आप इसे थोड़ा सा फैला लें। तो ये देखिए तेल हमारा हो चुका है गरम। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक एक करके हमारी कचौड़ियाँ, जिसे मैंने बना के रेडी कर रखा हुआ है। तो ये देखिए तेल को मैं डाल दूँगी। तेल हमारा गरम होना चाहिए, आँच थोड़ी सी आपको मीडियम रखनी चाहिए, ताकि कचौड़ियाँ जले नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मैं कचौड़ियाँ डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ पकना शुरू हो गई हैं। तो आप इसे पलट दें अच्छे से, एंड दोनों तरफ से अच्छे से आप इसे पका लें।
तो ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ फूलना शुरू हो गई हैं। इसके लिए आप ऐसे ऑयल को ऊपर से डालते रहे ऐसे स्पून की हेल्प से, तो देखिए कचौड़ियाँ कितनी अच्छे से राइज हो रही हैं, बिल्कुल फूली हुई कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं हमारी। तो ये देखिए सारी कचौड़ियाँ अच्छे से फूल गई हैं हमारी। तो आपको बस आपको इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए कचौड़ियाँ हो गई हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी एंड आपको प्लेट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए कचौड़ियाँ बन के हो गई हैं हमारी रेडी एंड मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बन के रेडी हुई, बिल्कुल फूली हुई सी। तो ये देखिए कचौड़ियाँ बिल्कुल फूली हुई बनी हुई हैं। तो चलिए प्लेट करते हैं इसे। तो ये लीजिए बन के तैयार है मेरी राजस्थानी कचौड़ी। आपको ये रेसिपी कैसे लगी, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अपना रिव्यू ज़रूर शेयर।